आइए ये देखा जाए संत कैरेंस हाई स्कूल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है उसका हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं संत कैरेंस हाई स्कूल द एड्रेस ऑफ द स्कूल इज गोला रोड दानापुर दिस इज द एड्रेस दिस एड्रेस गोला रोड दानापुर पटना एट ज़ीरो वन फाइव ज़ीरो इसके बाद हम बात करें इसके पूरे डिटेल्स के बारे में तो इसका पूरा हम डिटेल देखने वाले हैं क्या क्या इसका डिमांड है क्या क्या कल जो फॉर्म फिलअप होने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कल जो है कल से यानी छह दाई से शुरू होने वाला है तो इसको हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक द लिंक बिलो टू तो फिल द फॉर्म दैट दिस लिंक दिस इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट लिंक जिस पर आप क्लिक करके फॉर्म को फिल करेंगे दैट आफ्टर दैट अगर हम चलते हैं नीचे की ओर तो नीचे की ओर देखेंगे रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस दिए गए हैं बहुत सारे आप करके समझने का प्रयास करते हैं पहले यहां पर देखेंगे हम लोग संत कैर हाई स्कूल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन क्या है सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है संत हाई वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट बिफोर यू बिगिन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोग चर्चा कर लेते हैं इसमें पहले दिया हुआ है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉइंट को हम लोग देखते हैं पहला है यूज योर लैपटॉप डेस्कटॉप एंड अवॉइड यूजिंग द फोन टू फिल द फॉर्म

हमारे पेपर क्लिपिंग के अनुसार तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हिंदुस्तान में पेपर क्लिपिंग से क्लास वन क्लास टू की वैकेंसी भी आने वाली है तो कल में सब मालूम चल जाएगा तो उसको डिटेल रिव्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन गारंटी एडमिशन दैट इज नॉन रिफंडेबल जो आपने फीस पर दिया वो रिफंड आपको नहीं होगा वो नॉन रिफंडेबल है और एप्लीकेशन एंड द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन गारंटी यू एडमिशन तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से आपको गारंटी वहां पर नहीं मिल जाती है प्लेज द करेक्ट डिटेल ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्ट डिटेल्स पेस ही भरना है हम पेरेंट्स को अपने बार बार ये बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे गलत नहीं देना है क्योंकि वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है काइंडली डाउनलोड द एडमिट कार्ड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एज इन्फॉर्म बाय द स्कूल ऑफिस थ्रू एस एम के बाद आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का जो है डॉक्यूमेंट

जो कि आपको वहाँ पे अपलोड करना है पहला बर्थ सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन और पंचायत अगर आपने बनाया है से से तो तब भी आप चल पाएंगे वहाँ पे और पंचायत राशन कार्ड इलेक्शन आई डी करेंट लैंडलाइन टेलीफोन बिल करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड आधार कार्ड मिला के फाइव किसी एनी फाइव यानी इसमें से कोई भी एक अगर आपके पास है एनी वन अगर कोई भी आपके पास है देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग यू द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस राशन कार्ड इलेक्शन आई डी आफ्टर करेंट लैंडलाइन टेलीफोन बिल करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल या आधार कार्ड उसके बाद जो नीचे का लाइन नी इंपॉर्टेंट दिया गया है फोटो कॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ़ द सिबलिंग स्टडिंग इन संत कैरेंस हाई स्कूल अगर आपका कोई भी भाई बंधु वहाँ पे पढ़ता हो तो वहाँ का आप एज ए फोटो कापी ऑफ स्कूल आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे दे सकते हैं जेट इज मंडेट्री यहाँ पे दिया गया है फोटो कापी ऑफ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस क्लासेस सपोज करो आप टू क्लास के लिए ऑप्ट कर रहे हो आप वन क्लास के फाइनल ईयर का एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड वहाँ पे जमा कर देंगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसका कास्ट से आप बिलोंग करते हो दैट इज़ ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एस से आप बिलोंग करते हैं एस से बिलोंग करते हैं ओ से बिलोंग करते हैं फॉर स्टेटिस्टिकल पर्पज वनली यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं कि स्टेटिकल पर्पज़ के लिए ही आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर देनी होंगी इसके बाद आप देखेंगे इनकम्प्लीट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनकम्प्लीट जो फॉर्म आप भर रहे हो कंप्लीट होना चाहिए कोई भी हड़बड़ाहट में फॉर्म वहां पे फिल ना करें हम लोग बार बार बोलते हैं कोई भी हड़बड़ाहट में वहां पे फिल फॉर्म जो है वो फिल ना करें इनकम्प्लीट लेक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉल्स डॉक्यूमेंट कोई कोई लोग जो है फॉल्स uh, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देते हैं जो कि हम लोग साफ मना करते हैं कोई भी काम सलीके से किया जाता है और कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप स्कूल में एडमिशन ले भी लेते हो दैन वो आपके लिए तक सिद्ध हो सकता है इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाउंड एट एनी टाइम इवन आफ्टर द एडमिशंस विल डिबेट द कैंडिडेट्स वो बच्चों को वहाँ से निकालने की चांस सब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पर पड़ती है एंड गेटिंग एडमिशन्स परसुइंग एडमेशन इन द स्कूल तो ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि बच्चों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो प्लीज रिमेंबर इज ऑन द वेटिंग आपका में है द स्कूल रिजर्व द राइट टू न्यूलिफाइर एप्लीकेशन इफ़ ऑल दिस्टेडेड अलॉन्ग विदिस्ट्रेशन फीस इंड टोटिटी विद इन द मेन्ड टाइम फॉर जो उसका फी है जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है अगर आप उसको समय पर जमा नहीं करते हैं

ज नाइन फोर सेवन टू वन सिक्स थ्री टू जीरो पटना और जानता स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जय हिंद जय भारत